हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको ललिता माता के दर्शन कराएंगे। दोस्तों, नीमसार में हम आए हुए हैं और यहाँ पर सभी साधु महात्माओं को भोजन कराया जा रहा है। हम बाबा जी के आश्रम पहुँच चुके हैं और आश्रम में हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक दिन पहले आए हुए हैं। हम लोग बिटिया का मुंडन करवाने के लिए आए हैं, तो हमें कल मुंडन करवाना है, तो आज ही शाम को हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और दूसरे दिन सुबह सारे मेहमान भी आ गए हैं, सबको बुलाया गया है यहीं नीमसार में। और सारे मेहमान हमारे आए हुए हैं लखनऊ से, सब लोग आए हैं। हमारी भतीजी का मुंडन है तो सब लोग हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, और क्या कहते हैं, मम्मी हैं हमारी, बहनें हैं, सभी लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब हम सब लोग तैयार हो रहे हैं मंदिर जाने के लिए, बिटिया का मुंडन करवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारी भाभी हैं, भाभी की मम्मी हैं, दादी हैं, चाची हैं, सब लोग बैठी हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं सब लोग, और बच्चे भी खेल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा सा धर्मशाला है यहाँ पर, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। और ये हम लोग आए हैं मंदिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। पहले हम लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम ललिता माता के मंदिर जाएंगे, बिटिया का मुंडन करवाएंगे। सब लोग आ चुके हैं यहीं पर, हम सब लोग साथ में आए हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर बैंड भी बज रहा है, तो देखिए छोटी छोटी डांस कर रही हैं। अब हम लोग माता जी के दरबार में भी आ गए हैं। ये हम लोग अभी मंदिर के अंदर नहीं गए हैं, मंदिर के बाहर ही हैं दोस्तों। बहुत धूप हो रही है, हम लोग 11:30 बजे के करीब मंदिर के बाहर आ चुके हैं। अभी सब लोग नहीं इकट्ठे हुए हैं, एक एक करके आ रहे हैं लोग, तो हम लोग यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं। जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम लोग मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो यहाँ का मैंने थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया है बाहर से। तो यही मंदिर है माता जी का, और ये सारा जो भी सामान है, यहाँ पर मेला लगा हुआ है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। इस टाइम भी भीड़ है, सुबह के 10:30 बजे हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है और धूप बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर खूब सारी दुकानें लगी हुई हैं, ये प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ पर लोग आते हैं और ये दुकानों के पीछे थोड़ा थोड़ा सा इन लोगों ने बना रखा है विश्राम के लिए। तो यहाँ पर जो भी अतिथि आते हैं, जो भी मेला घूमने लोग आते हैं, तो अपना यहीं पर थोड़ा सा बैठकर वो लोग आराम करते हैं। तो इन्होंने नीचे दरा वरा बिछा रखा है, तो यहीं पे हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया है, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण परेशान थे। ये हमारी सिस्टर हैं जो कि पंखा वंखा लेके आई हैं, तो ये बच्चों के लिए पंखा लेकर आई थी। पंखे से बहुत ज़्यादा राहत मिली है बच्चों को। देखिए बच्चे कितने प्यार से खेल रहे हैं, कोई भी बच्चा रो नहीं रहा है, सबको ठंडी ठंडी सी हवा भी मिल रही है। ये बिटिया है, ये हमारी भतीजी है, इसी का मुंडन होना है। देखिए ये भी खेल रही हैं, ये बहन की बेटी है। सब बच्चे बहुत खुश हैं और खेल रहे हैं, कोई भी बच्चे परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको हवा मिल रही है। और बच्चों को जब ठंडी ठंडी हवा मिलती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं दोस्तों। तो अब हम सभी लोग मंदिर पहुँच गए हैं और यहीं पर बिटिया का मुंडन हो रहा है। बिटिया के बाल उतर रहे हैं, आप लोग पंखा देख रहे होंगे, ये पंखा चल रहा है, मुंडन भी हो रहा है और पंखा भी चल रहा है। आपने ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा होगा कि कहीं मंदिर में जाओ और वहीं पर बाल उतराओ तो वहां पर पंखा भी लेके जाओ। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा देख करके कि हम लोग मंदिर आए हुए हैं, और यहाँ पर भी हम लोग अपने इंतजाम से आए हैं कि बच्चे गर्मी में परेशान ना हो। बिटिया भी हमारी आराम से बाल उतरा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं रो रही हैं। ये अपनी चूसनी लिए हैं, चूस रही हैं, और बाल इनके पूरे चले गए हैं। इनको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे बाल कहाँ गए हैं। ये सारे रिश्तेदार हैं हमारे, जितने लोग यहाँ से गए थे सब रिलेटिव हैं हमारे। बहन हैं, बहन की सास हैं, हस्बैंड हैं, चाचा की बिटिया हैं, चाचा चाची हैं, सब लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये पार्टी घर पे होने वाली थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए भैया ने कहा कि हम लोग मंदिर में चलकर ही बिटिया के बाल उतरा लेते हैं। तो देखिए, आधे साइड के बाल चले गए हैं और आधे साइड के बाल भी उतरने वाले हैं। दोस्तों, ललिता माता का मंदिर हमारे घर से बहुत दूरी पर है। दोस्तों, हम सब लोग इसीलिए एक दिन पहले आए थे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर हम लोग उसी दिन जाएंगे तो बच्चे परेशान होंगे। और दूसरा कारण भी था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को भंडारा भी करवाना था। भैया ने भंडारा भी यहीं पर रखवाया है और भंडारे में बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं, बहुत सारे साधु महात्माओं को बुलाया था इन्होंने भोजन के लिए, तो सभी लोग आएंगे और भोजन करेंगे यहीं पर। आप लोगों को हम पूरा दिखाएंगे, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बिटिया का मुंडन हो चुका है और हम सब लोग मुंडन करवा कर बाबा जी के आश्रम में आ गए हैं। जब तक हम लोग आए हैं तब तक यहाँ पर सारा इंतज़ाम हो गया था भंडारे का। तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी साधु महात्मा आ चुके हैं भंडारे के लिए और इन सब का भोजन चल गया है। सब लोग अपना अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अभी इन लोगों के बाद अभी और भी साधु महात्मा आने बाकी हैं। भैया ने बहुत सारे साधु महात्माओं को बुलाया है भोजन के लिए। ये सब कुछ लखनऊ में नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर साधु महात्मा नहीं मिल पाते हैं इतने ढेर सारे इकट्ठे। और यहाँ पर नीमसार में ललिता माता के मंदिर में, या इसको आप तीर्थ भूमि भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर साधु महात्माओं की कमी नहीं है। आप चाहे जितने साधु महात्माओं को यहाँ पर बुला सकते हैं और यहाँ पर ये लोग बड़े आसानी से आ जाएंगे। जो भी दान पुण्य करना है आप यहाँ पर साधु महात्माओं को दान पुण्य कर सकते हैं। और अभी एक बार से और आएंगे, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, जो लोग साधु संत हैं महिलाएं वो भी आई हुई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों। थैंक यू।